कुल्लू में रात करीब 3 बजे बादल फटा। जब आधे से ज्यादा लोग अपने सपनों की दुनिया में थे, उन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि असल दुनिया में क्या होने जा रहा है। बादल फटने से नदी नालों में उफान आ गया, एक ऐसा सैलाब जो शहरों के बीचों बीच से गुजरता चला गया। जो भी उसके रास्ते में आया उसको अपने साथ बहा ले गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि किनारे की जमीन को काटता चला गया और इसी कटाव में दर्जनों दुकानें ढह गईं। कागज के डिब्बों की तरह दुकानें पानी में बिखरती चली गईं। नीचे नीचे से पानी मिट्टी को काटता चला गया और ऊपर बनी इमारतों के पास कोई सहारा नहीं बचा और 10 दुकानें देखते ही देखते पानी हो गईं। हिमाचल जो सिर्फ खूबसूरती बिखेरता है, उस दिन खौफनाक मंजर में बिखर कर रह गया। कुल्लू जिले में ये घटना रात के करीब 3 बजे घटी। कुल्लू के आनी में बादल फटने से मंडी में पंडोल के पास मार्ग अवरुद्ध हो गया, रास्ते बंद हो गए, लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई, बाजार का पूरा हिस्सा पानी की भेंट चढ़ गया। जिला कुल्लू के आनी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। आनी के च्वाइसी में एक मकान मलबे की चपेट में आ गया, इस कारण अंदर सो रही महिला और लड़की की मलबे में दबकर मौत हो गई। सुबह सवेरे आई आपदा से लोग सहम गए। उधर दुकानों के पानी में बह जाने के बाद दुकानों में रखा सामान नष्ट हो गया। वहीं उन दिनों कुल्लू की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गईं क्योंकि वहां कई दिनों से लगातार बारिश होने से जगह जगह भूस्खलन हो रहा था और मलबा आने से कुल्लू जिला नुकसान की मार झेलता रहा।